नमस्कार, कालका से समालखा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जयंती को लेकर के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि तप पराक्रम ज्ञान और न्याय की प्रतिमूर्ति भगवान परशुराम हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और सबको खुशहाली और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन का आशीष दे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पंचकुला के पंचकमल में हरियाणा लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल, लोकसभा प्रभारी सतीश पुनिया, संगठन मंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा समेत लोकसभा संयोजक सुभाष बराला भी शामिल हुए। बैठक में जेपी नड्डा ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों का फीडबैक लिया और आगामी रोडमैप पर चर्चा भी की। और पंचकुला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी उम्मीदवार बंतो कटारिया के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इंडिया को घमंडिया गठबंधन बताया है। नड्डा ने कहा कि घमंडिया गठबंधन का मकसद भ्रष्टाचारियों को बचाना है और कांग्रेस, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, डीएमके सभी परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। इनका जनता से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ परिवार के लिए ही गठबंधन बनाया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस की देश विरोधी विचारधारा फिर उजागर हुई है। कांग्रेस देश से माफी मांगे और सैम पित्रोदा को पार्टी से बर्खास्त करे। विरासत टैक्स और भारतीयों पर रंगभेद की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि पित्रोदा के बयान से पूरे देश की भावनाएं आहत हुई हैं। कांग्रेस लीडरशिप माफी मांगे। इस पर बाकी सारी रियासतें जुड़ी, उसमें से एक रियासत को अलग लेवल पर क्यों रखा? उसकी देश की एकता और अखंडता उससे कमजोर हुई ना? हजारों लोगों को बलिदान देना पड़ा ना 75 साल तक? इस प्रकार की सिचुएशन उत्पन्न हुई उसके कारण से। तो ये हमेशा कांग्रेस पार्टी के सोच का एक आधार रहा है। तू ने सन चोरी को किस पार्टी ने स्वीकार किया? ये कहने के बावजूद स्वीकार किया कि हमारी लास्ट में विभाजन होगा। एक्सेप्ट करने वाली कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। ये नेहरू जी का बयान है कि अक्साई चीन वगैरह में कुछ नहीं उगता, ये नेहरू जी का बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है। उसी समय एक सांसद ने अपने सिर से टोपी उतारते हुए कहा था कि आपकी भी टोपी उतारो, मेरी टोपी भी उतार, मैंने उतार दी, एक भी तिनका आपके सिर पे भी नहीं है, मेरे सिर पे भी नहीं है। यानी देश को देखने का नजरिया आपका कैसा है उसमें से अभिव्यक्ति होती है इस बात की। कांग्रेस के चिंतन में इस प्रकार की चीजें हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करके देखने। और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के बयान पर पलटवार किया है। अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जबरदस्ती लोगों के ऑपरेशन कर फैमिली प्लानिंग करवाई और अब ये कह रहे हैं कि दो बीवियां रख लो। वहीं मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान के बजाय भारत पर भरोसा करने की नसीहत भी दी। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जबरदस्ती लोगों के ऑपरेशन कर करके फैमिली प्लानिंग करवाई और अब ये साहब कह रहे हैं कि दो बीवियां रख लो। तो कांग्रेस की कोई एक सोच नहीं है, इनकी रोज सोच बदल गई। हमें पाकिस्तान के एटम बम पर ज्यादा भरोसा है और जो हमारे पास एटम बम है उसका तुम्हें विश्वास नहीं है? उस पर करो ना विश्वास कि हमारे पास भी एटम बम है। हमेशा पाकिस्तान के ही गीत गाते रहते हो, पाकिस्तान के ही गुणगान करते हो, कभी अपने देश का भी गुणगान करके देखो। ये बहुत उम्दा देश है, बहुत बढ़िया देश है,
बहुत कामयाब देश है, जिनको मिला 5 किलो राशन, 80 करोड़ परिवारों को। उन परिवारों से जाके पूछो, तुम्हारा तो 50 साल राज रहा, तुम कर देते ना इस काबिल कि लोगों को मुफ्त का अनाज ना लेना पड़ता, तुमने नहीं किया, मोदी सरकार ने किया। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, औरों को उठाने का काम कर रहे हैं, अनेकों नीतियां बनाई हैं, अनेकों काम किए हैं, जिसकी वजह से आज लोगों को मोदी सरकार पर विश्वास हुआ है। अंबाला छावनी स्थित बीजेपी कार्यालय के पास वरुण चौधरी का काफिला रुका। स्थिति कुछ ऐसी बनी कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बीजेपी उम्मीदवार बंतो कटारिया के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे कि अचानक कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार वरुण चौधरी का काफिला भी चुनाव प्रचार करने निकल रहा था। दोनों नेताओं का जब आमना सामना हुआ तो वरुण ने काफिला रोका और पूर्व गृह मंत्री के पैर छुए। अनिल विज ने विपक्षी नेताओं को जलपान भी करवाया। और हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिन 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया था, उन्होंने अपना समर्थन भी वापस ले लिया है और उसी के बाद विपक्षी दल भी एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जेजेपी पार्टी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये सरकार बनाने का हमारे पास सुनहरा मौका है, हम व्हीप के साथ साथ लिखित में भी देने को तैयार हैं। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा अपने 30 और 3 निर्दलीय विधायक तैयार रखें। दुष्यंत चौटाला के पास 10 विधायक हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं। बढ़िया तैयारी है, भूपेंद्र मलिक जी के पक्ष में एक बड़ा अच्छा माहौल बनते जा रहा है डे बाय डे। कल इनके प्रोग्राम में देख रहा था, आजकल सोशल मीडिया से देखते हैं, और आधी रात को दुष्यंत जी इनके समर्थन में जब आए तो सैकड़ों हजारों लोग गांव में रात रात को जुट गए। अभी भी आप देख रहे हो शाहपुर गांव में कितनी भीड़ है, पहला ही हमारा प्रोग्राम है तो बड़ा अच्छा लोगों में वो है। अब 15 तारीख के आसपास पता चलेगा कि वो कैसे आगे बढ़ता है। मैं ये मानता हूं कि इनकी जीत तो निश्चित है, उसको 25 तारीख को मोहर लगा करके सुनिश्चित लोग करेंगे और बहुत अच्छा माहौल है। हर तो खुला ऑफर है भाई, वो तो लिखित में दे देंगे, कौन रोक रहा है। मैं कह रहा हूँ हम अपना व्हिप जारी करके लिखित में दे देंगे। बहुत अच्छा रुझान है, बहुत बढ़िया दौरे, इतनी गर्मी के अंदर इतनी भीड़ निकल के आ रही है, लोगों का भरपूर समर्थन भूपेंद्र मलिक जी को मिल रहा है। अब कैंडिडेटों को किस तरीके से देखते थे? कैंडिडेट एक तो भारी है, एक आदमी को आजमा चुकी है जनता, भूपेंद्र मलिक को आजमाएगी। पूरा भरोसा है कि अपने को मौका देगी, किसान के बेटे को मौका देगी निश्चित तौर। कल भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत में थे, उन्होंने कहा कि राज्यपाल से मिलने के लिए दुष्यंत। हाँ तो अब चिट्ठी लिख दी हमने, अब तो उनका काम है आगे बुलाओ। आज वो कह रहे हैं कि अब मैं चंडीगढ़ लेके जाता हूँ, वो तो बेतुकी सी बात है। पहले विधानसभा का सेशन कॉल करो, फिर हम इकट्ठे करेंगे अपने साथ। और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सुनारिया के पीओपी ग्राउंड में आयोजित एक्स सर्विसमैन के रिक्रूटमेंट के बेसिक कोर्स बेंच नंबर S14 की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से लगभग 450 से भी अधिक एक्स सर्विसमैन पुलिस जवान की ट्रेनिंग लेकर पुलिस फोर्स में भर्ती हुए हैं। पुलिस विभाग लोकसभा आम चुनाव 2024 स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए वचनबद्ध है। इसी के लिए विभाग के पास पर्याप्त पुलिस बल भी है। 450 के लगभग हमारे एक्स सर्विसमैन सिपाही हमारे पुलिस परिवार में शामिल हुए हैं अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके, और ये बहुत अच्छे मौके पर एडिशन हुई है क्योंकि अब इलेक्शन भी हैं और इलेक्शन की बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा पुलिस के ऊपर है और इस मौके पर मैक्सिमम फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, तो इन सभी का आज ट्रेनिंग पूरी करने पर हमें बहुत लाभ होने वाला है। अच्छा,
और मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और मतदाताओं से अपील की जा रही है कि वो 5 वर्ष में एक बार आने वाले इस लोकतंत्र महापर्व में अवश्य भाग लेकर मतदान करें। और इसी कड़ी में यमुनानगर के CTM पीयूष गुप्ता का कहना है कि लोग 25 मई को ये न समझे कि छुट्टी और अपनी नींद पूरी करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्र में एक एक पिंक बूथ भी बनाया गया है जिसमें महिलाएं जाकर मतदान कर सकती हैं। इसके अलावा अन्य वर्ग भी यहां मतदान कर सकते हैं और इसी तरह दिव्यांग के लिए भी विशेष बूथ बनाए गए हैं। मतदान की तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं। अभी तक की जो फाइनल लिस्ट है उसमें लगभग 8,99,000 मतदाता हमारे वोट करेंगे। इसमें लगभग 4,80,000 पुरुष, 4,18,000 महिलाएं एवं 4 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। इसमें 18 से 19 उम्र में लगभग 14,000 के करीब नए मतदाता हैं जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। इसमें लगभग 10,000 के करीब पुरुष एवं 4,000 के करीब महिला मतदाता होंगे। तो इसमें सर जो वोट प्रतिशत बढ़े उसके लिए सर क्या तैयारियां की गई, क्या क्या प्रयास है? मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटी के तहत और तेजी से बढ़ रही गर्मी ने लोगों की समस्या बढ़ा दी है। बढ़ते तापमान के साथ साथ लोगों के घरों से बाहर निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। अंबाला की जनता बढ़ते तापमान से काफी प्रभावित दिखाई दे रही है। ऐसे में वहां के लोगों ने बताया कि उन्हें इस गर्मी को लेकर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धूप से बचाव के लिए जब एक्सपर्ट एडवाइस ली गई तो डॉक्टर ने बताया कि गर्मी से बचाव के लिए पेय पदार्थ ज्यादा लेना चाहिए, ऐसे में फल खाने चाहिए जिनमें ज्यादा पानी हो। अगर धूप से चेहरे पर कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। मेरा नाम शालिनी यादव है और इन दिनों बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और इस कारण से हमारी बॉडी में भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। हम लोग सुबह जॉब के लिए निकलते हैं तो धूप पहले तो फेस नहीं होती है, चेहरे पे हमारे लोगों के बहुत दिक्कत आती है, लू के सीधे थपेड़े मुंह पे पड़ते हैं गर्म हवा के जैसे होता है, जिसके कारण ड्राइव करने में बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, नहीं होते हैं व्हीकल ड्राइव वगैरह। और साथ ही प्यास इतनी लगती है तो टाइमली हम लोगों के पास अगर बॉटल्स वगैरह ना हो तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण जैसे कई लोगों को चक्कर वगैरह आ जाते हैं, नकसीर चल जाती है। तो यही है कि जितनी ज्यादा गर्मी हो रही है उसके हिसाब से हमें अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में गर्मी डे बाय डे बढ़ेगी। अभी जैसे गर्मियां शुरू हो चुकी हैं तो उससे बचने के लिए पहले तो हमें अवॉइड करना चाहिए, धूप में कम से कम निकलना चाहिए और बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पानी ज्यादा पिए, ठीक है, डिहाइड्रेट रखें बॉडी के लिए, पानी वाली चीजें जिसमें ज्यादा होता है खीरा खाएं, तरबूज खाएं, ठीक है, जो सीजनल फ्रूट हैं वो खाएं, इससे बॉडी में पानी की पूर्ति होगी जिससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है। गर्मियों के मौसम में एलर्जी रहने के काफ़ी चांस रहते हैं, बाहर जो धूल वगैरह होती है, डस्ट होती है, उससे इन्फेक्शन फैलते हैं। तो उससे बचने के लिए अपने शरीर को कवर रखें और हो सके कि धूप को अवॉइड करें, धूप में निकलें, ठीक है। डिहाइड्रेट रखने के लिए पानी ज्यादा पिए, ठीक है, घर में आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप नींबू पानी है वो लें, ठीक है, फल फ्रूट जैसे मैंने बताए थे तरबूज है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, खीरा होता है, इनका सेवन ज्यादा से ज्यादा करें डिहाइड्रेट रखने के लिए। और लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के जहां जिला प्रशासन और चुनाव आयोग सक्रिय हैं, वहीं सामाजिक संस्थाएं भी जागरूक रैली निकाल रही हैं। यमुनानगर के ग्रीन पार्क में वेलफेयर सोसाइटी ने बच्चों के सहयोग से मतदाता जागरूकता रैली निकाली जिसमें बच्चे बूढ़े नौजवान सभी अपने हाथों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नारे लगाते हुए चल रहे हैं। समिति के प्रधान देवेंद्र मेहता ने कहा कि 5 साल में एक बार लोकतंत्र का महापर्व आता है जिसमें सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। तो यमुनानगर की ये तस्वीरें हैं जहां स्कूली बच्चों द्वारा भी लगातार जागरूकता रैली निकाल करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
दरअसल मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के ये प्रयास किए जा रहे हैं। वेलफेयर सोसाइटी ने इस दौरान इसी को लेकर रैली निकाली और स्कूली बच्चों ने भी इसमें प्रतिभाग किया, जहां पर बच्चे हाथों में बैनर लेकर के लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। जागरूकता रैली ये निकाली गई ताकि लोग अपने मत के प्रयोग के लिए जागरूक हो सकें। जो इलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं और हमारा भी ये दायित्व है कि हम जो नागरिकों को इंकरेज करें कि वो अपना वोट और मतदान करें, तो इसके लिए हमने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं। हमने RWAs जितने हैं शहर में उनके साथ मीटिंग भी की है और उनको प्रोत्साहित किया है कि वो वोटर अवेयरनेस की रैलीज निकालें। साथ ही साथ हमारे जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, हमने इनके साथ भी पार्टनरशिप में काफ़ी पेंटिंग कॉम्पिटिशन, रंगोली कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन किया है, ताकि जो स्पेसिफिकली कॉलेजेस में भी, ताकि जो 18 साल की एज के बाद जो न्यू वोटर्स हैं वो भी अपना राइट टू वोट यूज करें। और मैं इस साल पहली बार वोट डालने वाली हूँ और मैं उसी को चुनूंगी जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी स्टेट के लिए और खासकर औरतों के हित में काम करेंगी। हमारे स्टेट हरियाणा में जो वोट होनी है वो छठे चरण में है, जो कि 25 मई को है, और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इस बार वोट डालने जा रही हूँ। किसी रीजन की वजह से मैंने पहले वोट नहीं दिया, पर इस बार मैं प्राउडली उसी को वोट करूंगी जो हमारे देश के लिए और हमारे लिए सोचेगा। मैं इस बार पहली बार मतदान करूंगी। मुझे इस चीज के लिए बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ 25 तारीख को हरियाणा में मतदान होने जा रहा है। मैं अपना मत उस प्रत्याशी को दूंगी जो हमारे हरियाणा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। यमुनानगर के जगाधरी में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव खून से लथपथ पाया गया। अभी महिला की पहचान नहीं हुई है। वहीं डीएसपी और थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें इलाके से सूचना मिली थी कि किसी महिला का शव मिला है। मौके पर आकर जो हालात देखे उससे हत्या का मामला लग रहा है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हुई है और महिला की जो उम्र है वो 24 से 25 साल तक की बताई जा रही है। मैं अशोक कुमार सरपंच ने और गांव से जब मेरे को पता लगा भी राकेश कुमार ने फोन करा भी ऐसे ऐसे ये बात है माया देखा जी, हाँ मर्डर का ही मामला लगा जी, 24-25 साल की लड़की है जी। और फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और मौके पे पुलिस पहुंच गई जी जल्दी, तो यहाँ की तो नहीं लग रही बिहारी के तौर पे लग रही जी, कोई लड़की बाहर की है जी। पुलिस ने आकर के मौके पे सारा इसके फोटो वगैरह ली जी और ये देखा जी और मौके पे आके सारी जी। और किस प्रकार का है और मौके हालात क्या बोल रहे हैं? अभी सूचना मिली थी डेड बॉडी की, मौके पे आए और अपनी जांच कर रहे हैं जो हमारी प्रथम जांच है, और प्रथम जांच से लग रहा है मर्डर का मामला है, तो हम जो हमारी कार्रवाई वो करके आगे इसमें प्रोसीड कर रहे हैं। तो अनआइडेंटिफाई है, अभी पहचान नहीं हो पाई है और देखने से उम्र 24-25 साल के करीब लग रही है, पहचानने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद ही कुछ बता पाए। और अब खबर अंबाला से, जहां जागरण के लिए बनी पार्किंग से बाइक चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों ने न सिर्फ बाइक चोरी की बल्कि उन चोरी की हुई बाइक पर कई वारदातों को भी अंजाम दिया। आरोपियों की पहचान गगन और लवी अरोड़ा के रूप में हुई है। मामले की जानकारी देते हुए SHO ने बताया कि ये दोनों आरोपी किसी मामले में पटियाला जेल में बंद थे, जिन्हें पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया। यहां इनसे कई खुलासे भी हुए हैं। June 3, 2024 को खाटू श्याम जागरण था। उस जागरण के जब चल रहा था तो उसमें यहाँ पार्किंग बनाई हुई थी, यहाँ शिव मंदिर, जो रामबाग शिव मंदिर है उसके सामने, वहां से ये मोटरसाइकिल दो व्यक्ति हैं जो गगन और लवी अरोड़ा के नाम से, ये मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए थे। उसके बाद इस मोटरसाइकिल पे इन्होंने 6-7 वारदात किए हैं। अभी ये अम्बाला पटियाला जेल में बंद थे, वहां से प्रोडक्शन वारंट पे हम इनको लेकर आए हैं, इनसे पूछताछ की है, मोटरसाइकिल जीरोपुर थाने में बरामद की जा सके।
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रेवाड़ी पहुंचे, जहां उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, पर्यटन विभाग के अध्यक्ष अरविंद यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। वहां चुनाव को लेकर के मनोहर लाल ने कहा कि 4 जून को हरियाणा में कमल खिलेगा। साथ ही विपक्ष के अल्पमत वाले बयान पर उन्होंने कहा कि इनमें कोई भी दम नहीं है, बीजेपी ने 13 मार्च को विश्वास पत्र प्राप्त किया है, 6 महीने तक कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार का मेरा पूरे हरियाणा में भ्रमण हो रहा है, आधा समय मैं करनाल में लगाता हूँ, आधा समय पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ, तो उसमें जो जनता का रिस्पांस है, उस रिस्पांस को ध्यान में करते हुए बता सकता हूँ कि हरियाणा की 10 सीटें अच्छे माध्यम से हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी, और हमारी जो हमारी करनाल की विधानसभा सीट उस पर भी कमल खिलेगा। तो 4 जून को 11 कमल खिला के हम मोदी जी के घर में कोई उसमें दम नहीं है, तंत्र नहीं है, मैं बता रहा हूँ कोई दम नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, ऐसे ही गिनती घर में गिनते रहो, 30 जमा 3 33 मान रहे हैं। और हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर है। अब मतदान के लिए मैच कुछ ही दिनों का समय बाकी है, जिसको लेकर के अब हर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। और इसी कड़ी में भाजपा के कद्दावर नेता और गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने धारूहेड़ा और रेवाड़ी में 12 से अधिक गांवों में चुनाव प्रचार किया, दौरा किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। के दौर के अलावा गया कभी सुस्त नहीं होना चाहिए, और चुनाव तो चुनाव ही होता है, तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लोगों का सहयोग मांग रहा हूँ और मुझे सहयोग मिलती रहा है छत्तीसगढ़ बिरादरी का। आज के दिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर यही हम रफ्तार अगर मापते रहे तो आने वाले समय के अंदर शायद इस लोकसभा क्षेत्र से सबसे रिकॉर्ड हाथों से रोज आरक्षण खत्म करने की बात है, जैसे आपने स्टेज से भी कहा समुदाय की तो गलत किया जो दे रहे हैं, बाकी जो जातियों से आरक्षण चल रहा है। देखो संविधान के साथ हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।